तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में कि दोनों बाइक में आपको कितना प्राइस कंपैरिजन देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ लेने वाले हैं, लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कितने और हमारा बजट कितना है। देखिए प्राइस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वाली बाइक में आपको मतलब RTR 160 में आपको दो मॉडल मिलते हैं ऑनली। एक आपको बेस मॉडल मिलेगा और एक आपको टॉप मॉडल मिलेगा। बट उस वाली बाइक में ना आपको 3-4 ऑप्शन है यार मेरे हिसाब से, ठीक है। उसमें आपको ये जो देखने को मिल रही है ना, ये डिस्क वाली है, लेकिन इसमें आपको बेस मॉडल भी मिलेगा विदाउट डिस्क। उसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट वाला भी ऑप्शन मिलेगा जो कि स्पेशल एडिशन खड़ी है, तो उसमें आपको 3-4 कलर ऑप्शन का डिफरेंसेस देखने को मिलता है। लेकिन चलिए कंपेरिजन करते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने खड़ी की है वो क्या आपको ऑन रोड प्राइस आ रही है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं यहाँ पे वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार प्राइस में ना मैंने थोड़ी सी गलती कर दी लाइव रिव्यू में, तो यहाँ पे वो चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अगर बात करें अपाचे RTR 162V के बेस मॉडल यानी कि इस वाली मॉडल के बारे में, तो ये आपको ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,47,000 1,47,000 रुपये के आसपास की आपको ये ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। और RTR 164V के फ्रंट एंड रियर डिस्क जो कि आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, एक ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ 1,49,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। मतलब प्राइस अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जो हमारी नई वाली RTR 162V और 4V में 2,000 रुपये के आसपास का सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक की लाइट्स के बारे में कि अब दोनों बाइक में कितना लाइट में डिफरेंट मिला है, क्योंकि पहले वाली इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलता था, बट फाइनली उन्होंने इसमें भी LED लाइट ला दिया TVS वालों ने। अब दोनों ही बाइक में LED लाइट आता है। आप देख पा रहे हैं ये 4V की लाइट है। 4V में आपको मेन सेंटर में एक LED DRL लाइट देखने को मिलती है एंड दो पार्ट में आप लोगों को इसमें फुली LED सेटअप में लाइट देखने को मिल जाती है, ठीक है। यू कैन सी ये इसकी लो बीम होगी और ये शायद हाई बीम होगी, ये लो बीम होगी, तो ये दो लाइट आपको इसमें मिल रही है, ठीक है। इसका लुक काफ़ी अच्छा है और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील कराएगा आपको। टर्न सिंगल लैप भी आपको इसमें देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। बात करें अगर 2V के बारे में तो देख पा रहे हैं 2V में भी अब आप लोगों को LED सेटअप में लाइट देखने को मिला है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको LED DRL लाइट मिल रही है और मेन लाइट में आप लोगों को इसमें दो सेटअप में LED लाइट देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि दोनों आपको LED लाइट प्रोवाइड कर रही है। अब भाई कन्फ्यूज़न है कि दोनों में कौन सा लेना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ से दोनों बाइक का लुक कि किसका लुक ज़्यादा बेटर आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा भाई ये पुरानी वाली जो RTR है ना 162V मॉडल, इसका जो लुक है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा है यार। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में आपको कौन सा लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि स्पीडोमीटर में आपको दोनों बाइक में कितना फ़र्क मिलता है। ये अपाचे RTR 164V मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले की देख लीजिए, कुछ इस टाइप का की आपको इसमें देखने को मिल रहा है। स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं कि इसमें आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। देखिए फीचर्स ना इस बाइक में आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, फीचर्स की मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। और पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है RTR, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं RPM मीटर है, यहाँ पे आपको क्लॉक है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, यहाँ पे इस और आपको बता दूँ फ्यूल इंडिकेटर है। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 3 मोड, स्पोर्ट्स, रेन एंड अर्बन, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। दो स्विचेस दिए गए, आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिलेंगे। स्विचेस के बारे में बात करें, पास सीज, लोबी में है बीम, टर्न सिंगल लैप, ये हॉर्न, इंजन के सीज, मोड के सीज, लाइट ऑन ऑफ करने का सीज और सेल्फ का सीज, ये आपको स्पीडोमीटर RTR 164V में मिलता है। अब अगर हम 2V में देखें तो क्या 2V में कोई डिफरेंस है? मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को सेम देख पा रहे हैं डिजिटल मीटर दिया गया है। आप कह सकते हो कि उसका स्पीडोमीटर उठा के बस इसमें डाला गया अपडेट में। इसमें भी सेम फीचर्स मिलेंगे जो कि मैंने आपको उस वाली बाइक में बताया। स्विचेस भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, बस ये स्विच नहीं है लाइट ऑन ऑफ करने का, क्योंकि आप इसमें चाबी ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, तो वो स्विच नहीं दिया गया। बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिल जाएंगे। इसमें भी रेन, स्पोर्ट्स एंड अर्बन, नंबर ऑफ 3 मोड्स मिल जाते हैं। मतलब कि स्पीडोमीटर में भी दोनों बाइक में कोई डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेगा। बात कर ले अगर सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बट यार एक चीज़ मैंने नोटिस की, इसके जो सस्पेंशन है ना थोड़े से पतले हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो इसके सस्पेंशन आपको थोड़े से बेटर मिल जाएंगे। टायर साइज़ इसकी 90-90 है और इसमें भी आप लोगों को 90-90 का टायर जो है वो फ्रंट में देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग प्लेट्स भी आपको दोनों में सेम मिलती है। दोनों बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो ये
प्लेट साइज 270 270 mm के आसपास की प्लेट साइज आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। मतलब टायर्स, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, मीटर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। दोनों का जो लुक है वो तो काफ़ी अलग है। अब आ जाते हैं दोनों बाइक के इंजन में। अब दोस्तों मेजर जो आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों बाइक में ना, वो इंजन में ही मिलेगा। इंजन में मेजर डिफरेंस आपको इस बाइक में मिल जाता है। देखिए अपाचे आरटीआर 160 आप लोग देख पा रहे हैं, 2V मॉडल, इसमें आप लोगों को ऐसे ही 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस बाइक में लगभग 16.04 के आसपास की पीएस पावर है, जो कि 8750 आरपीएम में पावर जनरेट करती है, एंड 13.7 के आसपास का इंटरमीटेंट टॉर्क आपको बाइक में मिल जाता है। लास्ट टाइम यहाँ पे पावर बढ़ाई गई है 0.50, तभी ये 16 हो गई, वरना पहले इसमें 15.53 के आसपास की पीएस पावर आ जाती थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं आरटीआर 164V के बारे में, कि उसमें आप लोगों को कितना ज़्यादा पावर देखने को मिल जाता है। अगर इसकी पावर के बारे में बात करें तो इसमें आपको इंजन तो सेम मिलता है, हालांकि फ़र्क है। ठीक है, इंजन में ध्यान रखिए, उसमें 2 वॉल्वो इंजन मिलता है, इसमें 4 वॉल्वो इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर इसमें 17.63 के आसपास की पीएस पावर है, ठीक है, और 14.73 के आसपास की इंटरमीडिएट टॉर्क आपको मिल जाती है। मतलब लगभग 2 PS के आसपास की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी और 1 PS के आसपास की इंटरमीडिएट टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 2 PS पावर ज़्यादा मिलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये 2 वॉल्वो इंजन है और ये 4 वॉल्वो इंजन है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना आपको, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। काफ़ी ज़्यादा तो भी नहीं बोल सकते, बट थोड़ी बेटर तो आपको उसमें मिलने वाली है। बात कर लेते हैं माइलेज के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है भाई, आप लोग भी जानते हैं कि जो बाइक में जितनी ज़्यादा पावर होती है उस बाइक में माइलेज थोड़ी सी कम होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये अपाचे आरटीआर 162V आपको कम से कम 45 के आसपास का माइलेज निकाल कर देगी, और अगर बात करें 4V के बारे में तो 4V मेरे हिसाब से आपको अराउंड 40 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर दे देगी। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर है। अब रियर में आते हैं। देखिए रियर में ना सस्पेंशन में काफ़ी फर्क है। इसमें आप लोगों को मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस पीछे सस्पेंशन मिलता है, जो कि यहाँ पे डुअल सस्पेंशन यूज़ किया गया है, देख पा रहे हैं उधर एंड इधर, जो कि कमलेट सीरीज बाइक में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर 4V के बारे में बात करें तो 4V में आप लोगों को मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर सस्पेंशन है, परफॉर्म भी ज़्यादा बेटर करते हैं। बात कर लेगा टायर साइज़ के बारे में, तो टायर साइज़ में भी फ़र्क है यार। इसमें ना 1108 के टायर मिलते हैं, 110-80 के टायर इसमें रियर में मिल रहे हैं, प्लेट साइज़ 220 mm की है। और अगर उसके बारे में बात करें तो उसमें भी आप लोगों को प्लेट साइज़ 220 mm की मिलती है, बट टायर 130-70 के मिलते हैं। ये यार मुझे ना बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है 164V का, क्योंकि भाई TVS वालों ने इसमें टायर साइज़ नहीं बढ़ाया, सेम टायर साइज़ मुझे मिल रहा है। हालांकि इन्होंने जब लॉन्च किया था तो वहाँ पे ये लोगों ने 120 बोला था यार। अब देखिए ये तो ऐसे इसका बेस मॉडल है, टॉप मॉडल आएगी तो एक बार देखेंगे कि शायद उसमें आपको मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं दोनों के टेल लाइट के बारे में, तो इसमें आपको कुछ इस टाइप की टेल लाइट देखने को मिलती है, नई टेल लाइट यूज़ की गई इस बार, काफ़ी अच्छी लगती है। और इसकी अगर टेल लाइट देखेंगे तो इसमें आप लोगों को कुछ इस टाइप की टेल लाइट देखने को मिल जाती है। देखिए अगर लुकिंग वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब ये ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका एग्जॉस्ट मफलर है, ये भी इसका एग्जॉस्ट है, इसमें डुअल बैरल मिलता है, इसमें सिंगल मिलता है। एग्जॉस्ट में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको दोनों बाइक में मिल जाएगा। बाकी इस टाइप का जो लुक है दोनों बाइक का आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई आपने कंपैरिजन तो कर दिया दोनों में, हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। देखिए यार मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना दोनों बाइक में ना कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे डिपेंड करेगा एक तो आपकी पसंद पे, पर एक तो भाई आपकी यूजेस पे। अगर आपको लगता है कि एकदम आपको एग्रेसिव चलाना है तो गो फॉर 164V, अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल चलाना है गो फॉर 162V मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी मेरे हिसाब से तो दोस्तों दोनों ही बाइक अपनी सेगमेंट में अभी बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एंड वही दोस्तों अगर बात कर लें इस बाइक के मतलब फीडबैक के बारे में, तो फीडबैक जो है मेरे हिसाब से इस बाइक का शुरू से अच्छा रहा है, और वो तो नहीं आई है उसका भी फीडबैक अच्छा है, बट इस वाली बाइक का ज़्यादा अच्छा मुझे फीडबैक मिला है। अब आप लोग बताना कि दोनों में आपको कौन सी अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।